आपको भी ये सीक्रेट कोड चाहिए तो बस अपने तीन दोस्तों को इस वाली रील को शेयर करके कमेंट में अपनी सिम का नाम लिख दो। इफ यू वांट टू गेट दिस प्रोग्राम देन कमेंट द वर्ड फ्लाई और मैं आपको ये प्रोग्राम भेज दूंगा एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको भी इस ऐप एंड टेम्पलेट की लिंक चाहिए तो तीन लोगों को इस वाली रील को शेयर करके कमेंट कर दो फोन एंड इसका लिंक मैं आपको पर्सनली डीएम कर दूंगा। पर क्या आपने कभी ये सोचा है, क्या आपके माइंड में ये क्लिक हुआ है कि कैसे इतने सारे कमेंट्स को एक इंडिविजुअल पर्सन डीएम कर सकता है? राइट, जैसा आपने देखा होगा बड़े बड़े जो इन्फ्लुएंसर्स हैं उनके मिलियन में फॉलोअर्स होते हैं, ठीक है, उनके थाउजेंड्स में फॉलोअर्स होते हैं, तो क्या वो इतने फॉलोअर्स को, इतने ऑडियंस को खुद मैसेज करने या खुद डीएम करने बैठते हैं? बिल्कुल भी नहीं गाइस। यहाँ वो यूज करते हैं एक ऐसी मैथड का, एक ऐसी टेक्निक का जिसको आज हम ऑटोमेशन के नाम से जानते हैं। यस गाइस, वो अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे ऑटोमेशन अप्लाई करके रखते हैं जिससे कि क्या होता है, जो भी उनके कमेंट सेक्शन में उस पर्टिकुलर कीवर्ड के साथ अगर कमेंट करता है तो वहां पर उन्हें क्या शूट हो जाता है गाइस, मैसेज शूट हो जाता है, लिंक शूट हो जाती है ऑटोमेटिक बाय ऑटोमेशन। अब गाइस अगर आप ये जानना चाहते हैं कि कैसे इंस्टाग्राम में हम ऑटोमेशन अप्लाई करते हैं, कैसे हमें कॉमेंट का ऑटोमेटिकली रिप्लाई करना है, या और फर्दर टेम्पलेट को कैसे एक्सप्लोर करा जाए, या क्या क्या बेनिफिट्स रहते हैं, तो गाइस इस वीडियो के एंड तक बने रहिए। आज हम यही सारे टॉपिक्स की बात करने वाले हैं इस पर्टिकुलर वीडियो में। सो गाइस प्लीज एंड तक वीडियो के बने रहिए अगर आप कुछ नॉलेजेबल कंटेंट कंज्यूम करना चाहते हैं। तो गाइस अब चलते हैं वीडियो में गाइस, पर उससे पहले गाइस अगर आपको यहाँ पर अपना डिजिटल मार्केटिंग स्किल सेट को इम्प्रूव करना, अगर आप चाहते हैं कि आपका डिजिटल मार्केटिंग के अंदर नॉलेज एनहांस हो, आपकी स्किल्स पॉलिश हो, सो गाइस WiScriptTech आपके लिए लेकर आया है कॉम्पैक्ट फुल स्टैक डिजिटल मार्केटिंग एडवांस बैच, जिसके अंदर एनरोल करके आप अपनी स्किल्स को बढ़ा सकते हो, आप अपने नॉलेज को और एनहांस कर सकते हो, अपने नॉलेज को और पॉलिश कर सकते हो, और साथ ही साथ आप न्यू एल्गोरिदम्स, अपडेट, ट्रेंड्स जान सकते हो डिजिटल मार्केटिंग इंडस्ट्री के। इस बैच में गाइस आपको असाइनमेंट प्रोवाइड करे जाते हैं, प्रोजेक्ट्स प्रोवाइड करे जाते हैं, केस स्टडी प्रोवाइड करी जाती है, जिससे कि आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस जो रहता है वो काफ़ी इम्प्रूव होता है, और साथ ही साथ आप अपनी स्किल्स को गाइस क्या कर सकते हो, यहाँ पर अपस्किल कर सकते हो। अगर गाइस आपको इस बैच में एनरोल करना है तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो, साथ ही साथ गाइस आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए फॉर्म लिंक पर क्लिक करके फॉर्म फिल करके सबमिट करके भी आप क्या कर सकते हो गाइस, एनरोलमेंट कर सकते हो। चले गए अब स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं कैसे हम हमारे इंस्टाग्राम में यहाँ पर ऑटोमेशन अप्लाई कर सकते हैं। चलो गाइस अब इन सारी चीज़ों को अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको चलना है ManyChat की एक वेबसाइट पे, ठीक है, हम यहाँ पर सर्च कर लेंगे जैसा कि आप मेरी स्क्रीन पर देख सकते हो, ManyChat लॉगिन, यहाँ पर आपको एक कीवर्ड सर्च कर लेना, ये वेबसाइट आ जाएगी, इस पर क्लिक करना है आपको ManyChat पे, यहाँ से आप क्लिक कर सकते हो साइन इन पे। अब अगर आपका अकाउंट नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है आपको साइन अप पे क्लिक करना है, राइट। अब यहाँ पर आप इंस्टाग्राम पे क्लिक करोगे, ठीक है, कंटिन्यू विद फेसबुक, यहाँ पर आपको अपनी फेसबुक आईडी से लॉगिन कर लेना है, कॉन्टिन्यूस करन। चलिए गाइस जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो मैंने अपनी फेसबुक प्रोफाइल से ManyChat के प्रोफाइल डैशबोर्ड पे लॉगिन कर लिया, ठीक है। यहाँ पर अगर आपका अकाउंट नहीं है तो आप साइनअप भी कर सकते हो। देन इसके बाद आपको ऐड न्यू अकाउंट पर क्लिक करना है, ऐड न्यू अकाउंट पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर इंस्टाग्राम पर क्लिक करोगे, ठीक है। इंस्टाग्राम पे क्लिक करने के बाद गाइज आपको यहाँ पर दिखेगा गो टू इंस्टाग्राम, आपको यहाँ पर क्लिक करना है गो टू इंस्टाग्राम पे अलाउ, यहाँ पर हम प्रो ट्रायल आपको अगर एक्टिवेट करना है तो आप कर सकते हो, अदरवाइज आप फ्री प्लान के साथ भी जा सकते हैं, ठीक है। आपका क्या प्राइमरी यूज़ है तो आप यहाँ पर क्लाइंट नीड्स, बिजनेस यूज़, जो भी आपको रखना है आप रख सकते हो, ठीक है, अकॉर्डिंग टू योर कंपैटिबिलिटी गाइज। देन अगेन अब यहाँ पर हमसे पूछ रहा है हाउ डू यू इंटेंट टू यूज़ ManyChat बोथ नेक्स्ट What best describe your company? Creator. Next. हम यहाँ पर जो आप यूज करते हो उन पर क्लिक कर सकते हो, ठीक है। देखिए, अब यहाँ पर मेरा इंस्टाग्राम पेज बिग मसल सीक्रेट यहाँ पर कनेक्ट हो गया, राइट। अभी कैसे कनेक्ट हुआ यहाँ पर गाइस, क्योंकि मेरा ये आप इंश्योर करना कि आपका पहले मेटा बिजनेस सूट, आपका फेसबुक पेज, आपका इंस्टाग्राम प्रोफाइल से कनेक्टेड रहना चाहिए गाइस। अगर आपकी दोनों चीज आपस में कनेक्टेड है, फेसबुक और इंस्टाग्राम, तो ही आप यहाँ पर इस ऑटोमेशन के बेनिफिट्स ले पाओगे, और साथ ही साथ तो ही आप यहाँ पर ये इंटीग्रेशन कर पाओगे, राइट। यहाँ पर मैंने ऑलरेडी अपना अकाउंट लॉगिन कर रखा था, यहाँ पर आप देख सकते हो, यस, यहाँ पर मैंने ऑलरेडी अपना अकाउंट लॉगिन कर रखा था बिग मसल सीक्रेट का, ठीक है। और गाइज यहाँ पर मेरा ये अकाउंट मेरे ये मेटा बिजनेस सूट के साथ भी आप देख सकते हो ऑलरेडी यहाँ पर ही कनेक्टेड है,
फेसबुक और इंस्टाग्राम दोनों ही, दोनों के पेज यहाँ पर कनेक्टेड है बिग मसल सीक्रेट के, ठीक है। देन इतना करने के बाद आपको वापस आ जाना है यहाँ पर और लेट स्टार्ट पे क्लिक कर देना है। मेक श्योर कि आपका बिजनेस सूट में दोनों ही चीज़ कनेक्टेड रहना चाहिए। स्किप कर देंगे इसे हम यहाँ पर। यहाँ पर आपको अपना मेल एंटर करना है। यहाँ पर मैं मेरा मेल एंटर कर देता हूँ। यहाँ पर अब हमें वेरिफिकेशन मेल आ जाएगा, इसको हम वेरीफाई कर लेते हैं। आपको कोड को यहाँ पर पेस्ट कर देना है। ओके, यहाँ से हमारा ये वेरीफाई हो चुका है। अब आप गाइज देख सकते हो कुछ इस तरह का डैशबोर्ड आपके सामने ओपन होगा जब आप इसमें लॉगिन कर लेते हो और जब आप अपना इंस्टाग्राम अकाउंट यहाँ पर कनेक्ट कर लेते हैं। देन इसके बाद ऑटोमेशन में आप यहाँ पर देख सकते हो वैन और सेंड मैसेज, ठीक है। न्यू ट्रिगर पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। जैसे ही आप न्यू ट्रिगर पे क्लिक करोगे यहाँ पर अब अलग अलग ट्रिगर्स आ रहे हैं आपके पास। यूजर कमेंट्स ऑन योर पोस्ट और रील, जब यूजर कमेंट कर रहा है आपके पोस्ट और रील पे तब आपको सेंड करना है। यूजर रिप्लाइज टू योर स्टोरी, जब यूजर रिप्लाई कर रहा है आपकी स्टोरी का तब आपको सेंड करना है। यूजर सेंड ए मैसेज, ठीक है, जब वो मैसेज सेंड कर रहा है तो आपको रिप्लाई में कोई लिंक या ऑटोमेटिव ऑटोमेशन के थ्रू कोई मैसेज सेंड करना है। यूजर कमेंट्स ऑन योर लाइफ, अगर आपके लाइफ पे कोई यूजर कमेंट कर रहा है, ठीक है, कमेंट कर रहा है, तो वहां पर भी आप उसको रिप्लाई कर सकते हो। ये ऑटोमेशन टेक्निक है इस टूल के थ्रू, राइट। अभी यहाँ पर हम सिंपल रख लेते हैं यूजर कमेंट्स ऑन योर पोस्ट और रील। जो भी हमारे पोस्ट और रील पे स्पेसिफिक कीवर्ड, राइट, जो भी आप अपनी रील में कीवर्ड बोल रहे हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कि गाइज आप कमेंट में कूपन 40 लिखिए और आपको एक लिंक शेयर होगी जिससे आपको 40% ऑफ मिल जाएगा। अब जैसे ही यहाँ पर मेरा यूजर कमेंट में लिखता है कूपन 40, ठीक है, तो उसके पास ऑटोमेटिकली एक लिंक चले जाएगा जहां से वो 40% ऑफ ले सकता है, ठीक है गाइस। तो यहाँ पर हम इसे यूज करते हैं, यूजर कमेंट ऑन योर पोस्ट और ऑन योर रील, राइट। तो इस पर मैंने क्लिक करा। क्लिक करने के बाद अब आप यहाँ पर देख सकते हो कोई सी भी आपको एक स्पेसिफिक पोस्ट ले लेनी है अपनी, ठीक है। तो यहाँ पर मैं कोई भी एक स्पेसिफिक पोस्ट ले लेता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल मैं लेटेस्ट ले लेता हूँ, ठीक है, या फिर मैं कोई सी और भी, चलो अभी यही लेते हैं, ठीक है। अभी मैंने एक ये लेटेस्ट डमी पोस्ट ले ली है, ठीक है, राइट। देन इसके बाद यहाँ पर मैं कंटिन्यू करता हूँ। कंटिन्यू करने के बाद अभी मुझसे पूछ रहा है स्पेसिफिक कीवर्ड। अब आपको यहाँ पर कीवर्ड इंक्लूड कर देना है गाइस। जैसे मैंने बोला था कि अगर आप जो वीडियो में या फिर जो पोस्ट में बता रहे हो कीवर्ड, ठीक है, जो आपने अपने बैनर में लिख रखा है कीवर्ड, वो आपको यहाँ पर इम्प्लीमेंट करना है। अभी मैं यहाँ पर आपको दिखाने के लिए, क्योंकि मेरे पास ऐसा कोई वीडियो है नहीं जिसको मैं यहाँ पर अपलोड करूँ मेरे अकाउंट पे ऐसी कोई वीडियो, अभी हम एग्जांपल के लिए यहाँ पर कोई सा भी कीवर्ड लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर यूज़र अधिकतर लिख के देते हैं हमें कमेंट में सेंड लिंक, ठीक है। देन इसके बाद यहाँ पर स्पेलिंग, चाहे वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट हो या स्मॉल लेटर से स्टार्ट हो, यहाँ पर इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये ऑटोमेटिकली फैच कर लेगा। स्पेलिंग का जो फॉर्मेट रहता है वो सही रहना चाहिए, राइट, स्पेलिंग सही रहना चाहिए आपकी। देन इसके बाद हम यहाँ पर एंटर कर देते हैं दूसरा वर्ड, जैसे हमने यहाँ पर एंटर कर दिया ऑफर, ठीक है, राइट। यहाँ पर दो कीवर्ड और भी, मल्टीपल कीवर्ड अगर आप ऐड करना चाहते हो तो ऐड कर सकते हो। देन एक्सक्लूड का आपको कॉलम खाली रखना है, ठीक है, इसमें आपको कुछ फिल नहीं करना। और नीचे आता है इसका एनी कमेंट का। एनी कमेंट मतलब कोई भी यूजर किसी भी टाइप का कमेंट करेगा तो उसको वहां पर क्या हो जाएगा, ये ऑटोमेटिव मैसेज शूट हो जाएगा। हम इसको ऑन नहीं रखते गाइस, क्योंकि हमें एक क्वालिटी ऑडियंस चाहिए जो हमें जो हमारे कंटेंट में इंटरेस्टेड हो, हमें सिर्फ उनको ही लिंक शेयर करना है, हमें मतलब अननेसेसरी ऑडियंस नहीं चाहिए, इररिलेवेंट ऑडियंस नहीं चाहिए, राइट, ठीक है। देन इसके बाद हम यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे। अब यहाँ पर ये पूछ रहा है वुड यू लाइक टू सेट अप अ पब्लिक रिप्लाई इन द फीड, ठीक है, तो यहाँ पर नो। क्या आप फीड में उन्हें रिप्लाई प्लीज सेंड चेक योर DM, डन द लिंक इन योर DMs, सेंड द लिंक ओवर, इस तरह का हम कोई नहीं रखना चाहते, नो पे क्लिक करते हैं। वुड यू लाइक टू सेट अप अ पब्लिक, देन हमको सेव पे क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पर हमारा ये सेव हो चुका है, ठीक है। इस पर कोई भी ट्रिगर करेगा तो उसको अब यहाँ से ये चले जाने वाला है, ठीक है। यहाँ पर हम लिखेंगे, अब जैसे किसी ने ट्रिगर करा यहाँ पर इस पोस्ट पे, जैसे ही कोई कमेंट करेगा गाइस उसको अब मैसेज जाएगा। मैसेज क्या जाना है वो हम यहाँ से कॉन्फिगर कर लेते हैं, ठीक है। एंटर योर टेक्स्ट, थैंक यू, ठीक है। यहाँ पर हम इमोजी लगा सकते हैं, ठीक है, इमोजी लगा लेता हूँ मैं यहाँ पर। द लिंक इज हियर, ठीक है, द लिंक इज हियर, यहाँ पर वापस इमोजी लगा लेते हैं और यहाँ पर मैं एक इस तरीके का इमोजी लगा लेते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पर हमने एक छोटा सा टैक्स लिख लिया, डमी टैक्स, और यहाँ पर अब मैं ऐड कर देता हूँ बटन, राइट। यहाँ पर मैं बटन का टाइटल दे देता हूँ,
क्लिक हियर ठीक है, और यहाँ पर अपनी वेबसाइट का लिंक डाल देता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल WsCube की एक वेबसाइट ले लेता हूँ, WsCube, और यहाँ पर आते हैं, देन यहाँ पर इसे अप्लाई कर देना है, देन डन। ठीक है, यहाँ पर हमने ये लिंक भी लगा दिया है, राइट। तो अब जो भी हमें सेंड या इस कीवर्ड के साथ कमेंट करेगा हमारे पोस्ट में, उसको इस तरीके का मैसेज ऑटोमेटिकली चले जाने वाला है। ठीक है, देन आपको यहाँ पर सेट लाइव पे क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पर सेट लाइव पे क्लिक करोगे, आपका ये ऑटोमेशन लाइव हो चुका है, आप यहाँ पर देख सकते हो। अब टाइम है गाइज इसको टेस्ट करने का, तो चलिए करते हैं इसको टेस्ट। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने अपने आईफोन में यहाँ पर डेमो अकाउंट ओपन कर लिया है इंस्टाग्राम का, राइट। यहाँ पर अब मैं सर्च करता हूँ फॉर बिग मसल सीक्रेट, ठीक है, जो हमारा पेज था, ये हमारा पेज आ चुका है। इस पर हम आते हैं और यहाँ पर कमेंट में मैं लिखता हूँ सेंड, ठीक है। जैसे ही मैंने कमेंट लिखा सेंड, ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हो गाइस मुझे नोटिफिकेशन आ जाएगा अभी लिंक का। ओके, आप यहाँ पर देख सकते हो ये लिंक का नोटिफिकेशन आ चुका है, थैंक यू, द लिंक इज़ हियर, क्लिक हियर। अब जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा, क्लिक हियर पर, आपका ये मुझे WsCubeTech.com पर ले जाएगा। तो गाइस इस तरीके से, कुछ इस तरीके से आपको अप्लाई कर लेना है ऑटोमेशन को, ठीक, अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे, राइट। जिससे कि क्या होगा कि आपके यूजर्स के साथ आप इंटरेक्शन मेंटेन करके चलोगे, इंगेजमेंट रेट आपका अच्छा रहेगा और काफ़ी टाइम सेव होने वाला है आपका, और आप नई टेक्नोलॉजी से भी क्या होगे गाइस इंट्रोड्यूस होगे। सो गाइस इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए कॉमेंट करके बताइए हमें हमारे कॉमेंट बॉक्स में। और गाइज अगर आपको कॉन्टेंट इंसाइटफुल लगा है तो गाइज देन प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल, डू लाइक अवर वीडियो। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग अवर वीडियो, थैंक यू सो मच।